गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल फ्रैक्शन में एक तीसरी टाइप सिखाने जा रहे हैं आपको, जिसमें अगर एक लीनियर टर्म हो और एक क्वाड्रेटिक टर्म हो तो लीनियर टर्म को लिखते हैं a अपॉन x प्लस a और क्वाड्रेटिक को लिखते हैं bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में 1 माइनस x और स्क्वायर को लिखते हैं bx प्लस c अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। जैसे आप इसका एलसीएम लोगे a इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस सी इंटू में 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में है 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर कैंसिल, a इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस सी इंटू में 1 माइनस एक्स। मुझे इसके अंदर एक एक करके टर्म को जीरो करना है। जैसे ही मैं x की जगह 1 डालूंगा तो 1 डालते ही a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर मैंने लिया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है a, यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है b और यहां पे स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। जैसे ही आप a की वैल्यू डालोगे तो b की वैल्यू आ गई 1। तीसरा है जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां 0 पुट कर दो। जैसे आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो a बचेगा, यहां 0 पुट करेंगे तो c बचेगा और बराबर में क्या है हमारे पास 2। जैसे आप a की वैल्यू डालोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद a अपॉन 1 माइनस x एंड b x प्लस c अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। a के प्लेस पे मैंने वैल्यू डाली 1, bx प्लस c में b के प्लेस पे हमने वैल्यू डाली 1 और c के प्लेस पे भी 1, दिस इज 1 प्लस x स्क्वायर। 1 अपॉन में 1 माइनस x, x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर एंड 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस एक्स, अगेन करेंगे तो माइनस बाहर। जैसे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x dx dt, ऊपर 2x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कैन बी राइट इट dt बाय t। हालांकि t वाले टर्म को हम सेपरेटली निकाल के करते हैं, लेकिन आप इसके अंदर करके वैल्यू डाल सकते हैं, मैंने इसी में करके दिखा दिया है। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज लॉग 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी और टी की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। इज दैट क्लियर? आई बस समझ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने आपको सिखाया कि जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो या बड़ी हो तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने एक्स स्क्वायर को कुछ लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया। जैसे आप एक्स स्क्वायर के प्लेस पे वाई पुट करेंगे, वाई y प्लस 1, y प्लस 3 एंड y प्लस 4, मल्टीप्लाई करने के बाद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 एंड y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। यहां हमने देखा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है। जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल दी हुई है तो हमने इसको सबसे पहले डिवाइड किया। डिवाइड करते ही y स्क्वायर 7y प्लस 12 साइन चेंज माइनस 4y माइनस 10। क्लियर? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो या बड़ी हो तो डिवीजन के अलावा दूसरा कोई काम करना ही नहीं है आपको। पहले जैसे आप 17 को डिवाइड करते हो 5 से तो 2 रिमाइंडर आता है, तो इसको हम लिखते हैं 3 2 बाय 5, 3 प्लस 2 बाय 5, यानी 5 3 15 प्लस 2 17 बाय 5। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन आया उसको आपने यहां लिखा रिमाइंडर अपॉन में डिवीजन, तो जो क्वेश्चन आया है 1 उसको यहां लिखे प्लस रिमाइंडर ऊपर
और डिवीजन नीचे। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस कॉमन लेते हैं, फोर वाई प्लस टेन अपॉन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं वाई प्लस थ्री एंड वाई प्लस फोर, दिस इज डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन के लिए मैंने इसको आई वन लेट कर लिया, आई वन लेट करने के लिए फोर वाई प्लस टेन वाई प्लस थ्री एंड वाई प्लस फोर, तो a अपॉन में y प्लस थ्री एंड b अपॉन में y प्लस फोर। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे a इंटू में y प्लस फोर एंड b इंटू में y प्लस थ्री, फोर वाई प्लस टेन वाई प्लस थ्री एंड y प्लस फोर, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद a इंटू में y प्लस फोर एंड b इंटू में y प्लस थ्री। यहां से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका मैंने आपको पहले सिखा रखा है वही चीज यूज करनी है। अगर हम y के प्लेस पे माइनस थ्री पुट कर देते हैं इट विल बी माइनस ट्वेल्व प्लस टेन, माइनस थ्री पुट करते हैं जीरो हो जाएगा, सो a की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इससे a इक्वल टू माइनस टू। अगर हम y के प्लेस पे माइनस फोर पुट करते हैं तो माइनस का सिक्सटीन प्लस का टेन, माइनस फोर पुट करने पे ये जीरो हो जाएगा और माइनस का फोर प्लस का थ्री, तो माइनस का सिक्स माइनस का वन, तो बी की वैल्यू आ गई सिक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के टाइम जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ए अपॉन वाई प्लस थ्री एंड बी अपॉन वाई प्लस फोर और डी एक्स, ए की जगह मैंने वैल्यू पुट करी माइनस टू और y के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है x स्क्वायर जो आपने ऊपर लेट किया था। क्यों y के प्लेस पे हमें x स्क्वायर क्यों पुट करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ dx है और यहाँ y है आप इसका इंटीग्रेशन तो ऐसे कर नहीं सकते, तो मैंने y को ये काम जो हमने किया था हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए किया था कि इतनी बड़ी डिग्री होती फोर तो हम उसको छोटा बना सकें, तो जो x स्क्वायर को आपने y लेट किया था तो इंटीग्रेशन करने से पहले इस y के प्लेस पे आपको x स्क्वायर पुट कर देना है। सेम हियर b की वैल्यू कितनी है सिक्स, इंटीग्रेशन करने से पहले आपको y के प्लेस पे x स्क्वायर पुट कर देना है, रूट लगाओ स्क्वायर लगाओ, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय a, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय a प्लस में c, सो माइनस 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स x बाय रूट 3, 3 tan इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस में c, और यहां पे क्या चल रहा है x, इज दैट क्लियर, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 ले रहे हैं, 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1 में e की पावर x माइनस 1 को हमने d लेट किया, e की पावर x का e की पावर x dx is equal to dt, e की पावर x मुझे न्यूमरेटर में चाहिए था इसलिए मैंने e की पावर x से ऊपर भी और e की पावर x से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, e की पावर x dx का मतलब हो गया dt, e की पावर x माइनस 1 का मतलब t और e की पावर x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 1। जब आप इसमें पार्शियल लगाओगे a अपॉन t b अपॉन t प्लस 1, एलसीएम लेते हैं a इंटू में t प्लस 1 एंड b इंटू में t, 1 अपॉन में t इंटू में t प्लस 1, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, a इंटू में t प्लस 1 एंड b इंटू में t, मैंने यहां पे t के प्लेस पे एक बार माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 पुट करते ही जीरो हो जाएगा तो b की वैल्यू आ गई माइनस वन, फिर मैंने t के प्लेस पे जीरो पुट किया, जीरो पुट करते ही a की वैल्यू आ गई वन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड a अपॉन में t b अपॉन में t प्लस वन, जैसे आप a की वैल्यू वन पुट करेंगे जैसे आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपॉन में t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और 1 अपॉन में t प्लस 1 का log t प्लस 1, log m माइनस log n,
log m divided by n, और जहां जहां आपको t दिख रहा है t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप, e की पावर x माइनस वन, e की पावर x प्लस में c। और उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अगर मैं इसमें से e की पावर x को कॉमन निकाल लूं तो e की पावर x ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, e की पावर माइनस x, 1 माइनस e की पावर x को t लिया, 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का e की पावर x, तो ये प्लस dx dt, तो क्या बन जाएगा ये dt अपॉन में t, 1 अपॉन t को हम log t बोलते हैं प्लस में c, और t की वैल्यू है 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस में c। इज दैट क्लियर? अगले लेक्चर में बाय पार्ट्स के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।